नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन में क्या क्या जो है फीचर्स सिम्टम्स देखने को मिलता है और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कॉन्स्टिपेशन अगर टर्म की बात करें तो इसका मतलब है कि डिफिकल्टी एंड डिले इन पासिंग स्टूल। ऑब्वियसली जो है तकलीफ हो रही है और डिले भी हो रहा है स्टूल पास करने में। कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि रूम्स क्राइटेरिया एक दिया गया है, उसके अंदर बताया गया है कि अगर ये सब फीचर्स अगर मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है बच्चे को। अब क्या क्या फीचर्स है, तो सप्ताह में अगर दो या दो से कम बार अगर बच्चा पॉटी जा रहा है, दूसरा है कि पॉटी का जो डायमीटर है वो काफी जो है लार्ज, स्टूल का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तीसरा अगर देखते हैं कि बच्चे का जो पेट पे जो है, जब भी हम हाथ रखेंगे तो देखेंगे कि पैल्पेबल मास है, कुछ लग रहा है कि पेट के अंदर है, चौथा अगर हम बात करें तो बीच बीच में जो है बच्चा कभी कभी जो है अपने आप जो है लैट्रिन थोड़ा सा पास कर देगा। तो ये सब अगर फीचर्स मिलते हैं तो हम उसको जो एक तरह से बोले तो स्टैम्प कर देते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन है। अब हमको ये भी देखना है कि आखिर ये कॉन्स्टिपेशन हुआ क्यों। देखिए, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मेनली तीन कारण जो हम देखते हैं। सबसे पहला जो कारण हम देखते हैं कि जब बच्चा जो है वीनिंग होता है, मतलब अगर उसका फूड हैबिट चेंज होता है 6 महीने के बाद से, जब खाना वाना शुरू करता है तो फूड हैबिट में चेंज के चलते होता है। दूसरा है कि टॉडलर्स के छोटे और छोटे जो है 2-3 साल के बच्चों में ये देखा गया है कि जब टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है उस टाइम में जो है इनको कॉन्स्टिपेशन होता है, और स्कूल जाने के समय जो है प्री स्कूल जो है ये कॉन्स्टिपेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी बच्चा जो है एसोसिएट करता है कि जब वो लैट्रिन करने लगता है और दर्द से उसको एसोसिएट करता है, थोड़ा भी दर्द अगर उसको होता है तो वो लैट्रिन को विथहोल्ड करता है, और जब विथहोल्ड करेगा तो फिर जो लैट्रिन जो है रेक्टम में कोलोन में पड़ा रह जाएगा और उससे जो है पानी की मात्रा और ज्यादा जो है एब्जॉर्ब की जाएगी इंटेस्टिन्स के द्वारा, रेक्टम के द्वारा जो है और ज्यादा सख्त होता जाएगा और भरता चला जाएगा, और जितना ज्यादा भरता जाएगा जिसको कि हम बोलते हैं इंपैक्टेड स्टूल, तो भरने के बाद क्या हुआ कि उसका नॉर्मल जो लैट्रिन करने का जो अर्ज है बच्चे का, ये लॉस हो जाएगा, पूरा डिस्टेंडेड हो जाएगा। तो नॉर्मल अगर अर्ज लॉस हो गया तो उसके चलते थोड़ा थोड़ा देखिएगा कि बच्चा जो है लैट्रिन थोड़ा थोड़ा पास करते रहता है। कॉन्स्टिपेशन को डायग्नोज करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की यूजुअली जरूरत नहीं होती है, आपके क्लिनिशियन या पेडिटिशियन जो है पेट पे हाथ रख के ही जो मास अगर मिल गया उनको पल्पेबल मास मिलेगा, और अगर वो पीआर करेंगे तो उस कंडीशंस में जो है लोडेड रहेगा, लैट्रिन से लोडेड रहेगा जो है रेक्टम, तो ये ही ऑलरेडी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ये अगर मिल गया तो इसी से वो अंदाजा लगा लेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। और बाकी बच्चों की हिस्ट्री पूछी जाएगी फैमिली मेंबर से, माता पिता से उसकी हिस्ट्री पूछेंगे और फिर कंफर्म करेंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन है। तो ट्रीटमेंट इनिशिएट करने से पहले बच्चे के माता पिता को काउंसलिंग कर देते हैं कि ये जो दवाइयां हैं स्पेशली जो है लैक्सेटिव्स, जो बॉवेल को क्लियर करती हैं, लैट्रिन को क्लियर करती हैं, वो दवाइयां आपको लॉन्ग टर्म हो सकता है कि लेनी पड़े, 2-6 महीने तक, 1 साल तक लेनी पड़े, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोई एडिक्टिंग चीज नहीं है, ये दिमाग से निकाल दे कि इसका एडिक्शन हो जाएगा, इसके बिना पॉटी नहीं होगा। तो ये बात हम पहले गार्जियंस को बताते हैं। दूसरा है कि ट्रीटमेंट अगर रेजिम की बात करें तो सबसे पहले करते हैं डिसइंपैक्शन, उसके बाद होता है मेंटेनेंस थेरेपी, और उसके बाद होता है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। डिसइंपैक्शन क्या है, जो स्टूल काफी दिनों से जो है इंपैक्टेड हो गया है, वो जमते जा रहा है और भरा हुआ है कोलोन, और ये रेक्टम पूरी तरह से जो है डिस्टेंडेड है, भरा हुआ है, उस जो इंपैक्टेड स्टूल को बाहर करना है, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का एम होता है यही होता है। इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, इसके लिए हम लोग जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो सैशे यूज करते हैं, वो होता है पोली इथिलीन ग्लाइकोल, पेग जो है, PEG, बहुत सारे नाम से जो है मार्केट्स में, लैक्सोपेग, पेगिकॉल, ये सब बहुत सारे नाम से आता है। अब ये कितने दिन तक देना है, कम से कम 3 से 5 दिन तक देना है, और इसमें भी डोज जो होता है खासकर डिसइंपैक्शन के लिए जो डोज होता है 1 से 1.5 ग्राम/kg/day, इतना जो है आपको देना है, दिन में 2 बार करके भी आप दे सकते हैं, और वो सैशे में आता है ये पेग, इसको जो है पानी में घोल के भी दे सकते हैं या इसको जूस में या आप दूध में घोल के आप दे सकते हैं। अब पेग भी दो तरह का आता है, एक तो होता है नॉर्मल पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल,
दूसरा होता है पेग विथ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये इसलिए मिक्स किया रहता है कि अगर पेट में अगर हम ये पीता है बच्चा तो ऐसा ना हो कि उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए या मतलब पोटी जो है काफी पतला हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया हुआ रहता है। लेकिन ये टेस्टी नहीं रहता है तो बच्चे इसको नहीं लेना पसंद करते हैं, इसीलिए जो है विदाउट इलेक्ट्रोलाइट जो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ या जूस के साथ। पहले हम डिसइंफेक्शन के लिए जो है इनिमा या सपोजिटरी टैबलेट्स देते थे। इनिमा मतलब है कि लैट्रिन के रास्ते में ही जो है वो एक पाइप जाता है जो कि लिक्विड रहता है और प्रेस करते हैं, लेकिन अब ये सब जो है आउटडेटेड हो गया है, इसको डिस्करेज किया जाता है। बेटर है कि ओरली जो सैसे आता है, पाउडर आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का, उसको जो है पानी में, जूस में या मिल्क में घोल के और फिर बच्चे को दिया। अब इसमें जो है, इस ट्रीटमेंट में जो है डिसइंफेक्शन हो गया, एक बार जो है 3 से 5 दिनों के अंदर जो है पूरा गट आपका खाली हो गया, बच्चे का कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो गया, लेकिन फिर से आपको चांसेस है कि फिर से आपको बार बार जो है ये कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसीलिए इसके बाद हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी में कौन सी दवाइयां दी जाती है, सेम यही पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल देते हैं, डोज कम रहेगा इस बार 0.2 से लेके जो है 1 ग्राम पर केजी पर डे, या अगर बहुत बच्चे जो है पेग नहीं लेना चाहते हैं, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, तो उस कंडीशंस में लैक्टुलोज दिया जाता है सॉल्यूशन, डुफालेक भी जो आता है या लैक्सिट नाम से भी आता है, तो ये भी दिया जाता है। इसका भी डोज जो है 1 से लेके 3 जो है ग्राम पर केजी पर डे तक, ये मेंटेनेंस डोज है और ये यही जो है कम से कम आपको 2 महीने से लेके कम से कम 6 महीने तक चल सकता है। इसीलिए पेशेंट के, खासकर बच्चे के जो है माता पिता को काउंसलिंग की जरूरत। ये दवाइयां आपके बच्चों के लिए कंप्लीटली सेफ है और लॉन्ग टर्म में इसका कोई साइड इफेक्ट्स यूजुअली नहीं देखा गया है। तो ये हो गया, तो इससे मेंटेनेंस हो गया। अब क्या है कि मेंटेनेंस के बाद जो है अब हम चाहेंगे कि धीरे धीरे बच्चे का जो है ये जो लैक्सेटिव्स दे रहे हैं, चाहे वो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल दे या हम दे रहे हैं लैक्टुलोज, तो उसकी डोज को, उसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम करेंगे, टेपर कर करके जो है हम लोग बंद करेंगे, और बंद करने के बाद फिर उसको हम डायट्री मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल चेंजेस पे ले आएंगे। डायट्री मॉडिफिकेशंस में ज्यादा फाइबर्स खाने के लिए बोलेंगे। सिंपल सी बात है, फाइबर्स की जहां बात आती है, जो भी छिलका है सब्जी का हुआ या फल का हुआ, तो छिलका के साथ खाने के लिए बोलिए, छिलका के साथ सब्जी पकाइए, तो साग सब्जी फल ये सब ज्यादा से ज्यादा ले। जूस में भी अगर जूस पीता है बच्चा तो खासकर एप्पल का, प्रून का या पियर का जूस, क्योंकि उसमें सॉर्बिटॉल होता है और सॉर्बिटॉल ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। साथ में अगर हम बोलेंगे कि बच्चा अगर मिल्क ले रहा है, स्पेशली काउ मिल्क ले रहा है, तो उसको बंद करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि काउ मिल्क के चलते कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसको प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग का मतलब है कि बच्चे को जब पॉटी जो ट्रेनिंग का जब उम्र हो जाएगा, मान लो 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ, तो उस कंडीशंस में बच्चे को एक प्रॉपर टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए जो है जो पॉटी ट्रेनर है उस पर बैठने के लिए बोला जाएगा। जब वो पॉटी करके आएगा तो उसको कुछ रिवॉर्ड दीजिए ताकि उसको और जो है मोटिवेटेड रहे बच्चा। और पॉटी के लिए हम कब उसको भेजेंगे, तो जब भी कुछ खाना खाता है, सपोज सुबह का नाश्ता किया या शाम का नाश्ता किया, तो खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो है उसको पॉटी के लिए भेजा जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फायदा आपको मिलेगा। जैसे ही खाना खाएंगे तो मोटिलिटी बढ़ जाती है और उस मोटिलिटी का फायदा उठाएंगे हम, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को ना हो, वो जो है मोटिलिटी से रिलीफ हो जाए कॉन्स्टिपेशन, या उसका पॉटी क्लियर हो जाए। और पॉटी के समय अगर मान लीजिए कि वो कमर पे पॉटी कर रहा है, तो दोनों पैर जो है फ्लोर पे टच करना चाहिए। जब फ्लोर पे टच करेगा दोनों पैर, तो ज्यादा अच्छे से जो है रिफ्लक्स काम करेगा, जो है डिफिकेशन जो रिफ्लक्स है वो अच्छा काम करेगा, तो पॉटी ज्यादा क्लियर होने का चांसेस है। और साथ में है कि कोई भी एंटी स्पाजमोडिक, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो पेट दर्द की दवाइयां, एंटी स्पाजमोडिक, एंटी डायरियल ड्रग, ये सब नहीं दीजिए। इन सब के चलते कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।